हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल मार्केट में क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट देना है क्योंकि कल एक्सपायरी है। एंड गाइस, एज यूजुअल मैं आप लोगों को सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगा, बट सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। टेलीग्राम चैनल को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आज भी एक बहुत क्रूशल एग्जाम्पल। देखो, सबसे पहले तो जो जो लोग वीडियो देखते हैं उन लोगों को मैं सारा व्यू वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो नहीं देख पाते कभी किसी रीजन की वजह से। तो आज सुबह जैसे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे चार्ट डाला, इस चार्ट में मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था साफ कि 16,940 के नीचे हमारा शॉर्ट बनेगा और 16,820 का टारगेट है। अगर आप सुबह की कैंडल पर लो देखोगे तो 16,825 का लो बना है और वहीं तक ही एग्जैक्टली निफ्टी हमको जाता हुआ देखने को मिला है। उसके बाद 16,980 का लेवल दिया था आप लोगों को, 16,980 के लेवल के ऊपर, 16,940 के ऊपर ही मैटर ऑफ फैक्ट हम लोगों को लॉन्ग कर लेना चाहिए था। 940 के ऊपर हम लोगों ने लॉन्ग किया, मैंने प्रीमियम के अंदर भी सेम ट्रेड दी थी जो कि 40% प्रॉफिट पर गई और सेम चीज आप लोगों को मैंने टेलीग्राम में बताई थी। तो इसीलिए आई थिंक टेलीग्राम आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, आप लोगों का ही फायदा है। एंड प्लस कल एक्सपायरी का देना है तो जीरो हीरो ट्रेड्स होती है या कोई बहुत शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मेरे को देखने को मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड यूट्यूब हमारा 8,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, आजकल काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। तो गाइज, जो कोई भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा चैनल ग्रो होने में हेल्प हो, और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। तो कल के दिन के लिए गाइस मैं आप लोगों को लेवल्स अपडेट कर देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग कल हम लोगों को आज का जो लो बना है 820, इस लेवल के नीचे हमको शॉर्ट देखने को मिलना चाहिए एंड इसका जो टारगेट रहेगा 630 रहेगा। बट अगर आप यहां पर नीचे RSI की तरफ देखो तो RSI हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड है, राइट। लास्ट टाइम जब यहां पर था तब हम लोगों ने वो बाउंस लिया था 15,000 से। एंड सिमिलरली अभी हम लोगों को यहाँ पे RSI ओवरसोल्ड देखने को मिल रहा है, थोड़ा जल्दी ओवरसोल्ड देखने को मिल गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग या तो 16,600 से बाउंस या फिर वापस जब हम 16,980 को तोड़ेंगे इसके ऊपर से बाउंस, बट हम लोग को जो बाउंस है वो यहीं कहीं से देखने के लिए मिलना चाहिए। तो कल 16,980 मेरा लेवल रहेगा जिस लेवल के ऊपर मैं कंफर्टेबल होऊंगा लॉन्ग करने के लिए। एंड मेरा जो टारगेट रहेगा वो 17,200 का रहेगा कल के दिन के लिए। तो गाइज आप लोगों के पास बहुत सिंपल से दो लेवल्स हैं, 820 के नीचे शॉर्ट करना है, 980 के ऊपर लॉन्ग करना है। 980 एक बहुत क्रूशल हम लोग का फिबनाची लेवल भी है, तो फिबनाची लेवल टूटेगा तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट को वहां से भागना चाहिए, ठीक है। प्लस अगर आप RSI को देखो तो RSI भी बॉटम आउट सा लग रहा है। हाँ, एक और स्विंग नीचे देखने को मिल सकती है, बट इससे ज्यादा नीचे RSI क्या ही जाएगा। अगर आप इफ यू थिंक अबाउट इट, इससे ज्यादा नीचे RSI जाने की गुंजाइश नहीं है। तो जस्ट इनकेस अगर 630 आता है तो हम लोग 820 के नीचे शॉर्ट करके 630 पर जाएंगे और 630 से फिर हम लोग को एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये निफ्टी के आपको सारे लेवल्स बता दिए। मेरी तरफ से जो बायस है वो साइडवेज ही रहना चाहिए, मतलब ना ज्यादा बड़ा गैप अप ना ज्यादा बड़ा गैप डाउन। BTST मेरी तरफ से आप लोग मत करना क्योंकि कल थर्सडे है, सारा का सारा प्रीमियम डीके हो जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट अप गाइस, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आप लोगों को सेम चीज बताई थी कि हम लोगों का जो मेन शॉर्ट बनेगा 37,900 के नीचे बनेगा और वो सिर्फ तब जब 30 मिनट का कैंडल क्लोज होगा। आज हमको 37,900 के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं देखने को मिला, बट 37,960 से एक बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली जो कि टूवर्ड्स हमको 38,400 तक लेकर गई। 38,400 टूटता तो एक और बाय बनता जो कि नहीं बना, ठीक है। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक बाय जोन मेंशन किया था, 37,960 आएगा तो आंख बंद करके बाइंग करनी है एंड वहां से हमको एक बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिला। सिमिलरली अब कल के लिए गाइस बात करूं तो मेरा व्यू अभी भी सेम है, 37,900 के नीचे हम लोग शॉर्ट रहेंगे एंड स्ट्रेट अवे जो टारगेट होगा 37,000 का ही रहेगा। अगर बाय साइड की बात करें तो गाइज अब जो मेरा बाय जोन है वो रहेगा 37,960 जो कि कल का बाय जोन था, बट इस बार हम लोग उसके ऊपर क्रॉस होने का वेट करेंगे और उसके ऊपर ही हम लोग बाय करेंगे। ज्यादा चांसेस बैंक निफ्टी का अगर आप RSI देखो तो बैंक निफ्टी का RSI अभी भी बहुत गुंजाइश रखता है नीचे गिरने की। तो आई थिंक ये यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट होगा तो हमको कल के दिन में ही 37,000 तक के लेवल्स बहुत इजीली दिखा सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा कॉशियस रहना ट्रेड करने में लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि अगर ये 37,900 या मैटर ऑफ फैक्ट आज का जो लो लगा है 37,820-816 का वो लो तोड़ेगा तो उसको टूटते ही वहां से अच्छा नीचे गिरना चाहिए एंड 37,000 तक के हम लोग टारगेट अभी भी लेके चल रहे हैं। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने घर वालों के साथ शेयर करना, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।